नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं, सरकार ने आज इसके खिलाफ लोकसभा में सख्त विधेयक पेश किया है। इसमें पेपर लीक मामले में कम से कम 3 से 5 साल की सजा का प्रस्ताव है। हालांकि संगठित अपराध के मामलों के लिए विधेयक में 5 से 10 साल की कैद का प्रस्ताव है। संसद की वेबसाइट पर प्रकाशित विस्तृत सूची के अनुसार सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 इसका उद्देश्य प्रमुख परीक्षाओं में पेपर लीक पर अंकुश लगाना है। सोमवार को संसद में पेश किया गया। प्रत्येक वर्ष माघ माह की अमावस्या के दिन मौनी अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्य कर पितृदोष से मुक्ति पाने का व्यवधान है। इस बार मौनी अमावस्या 9 फरवरी को है। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर प्रयागराज के संगम में स्नान किया जाए तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि माघ माह में देवतागण प्रयागराज आकर अदृश्य रूप से संगम पर ही स्नान करते हैं। इसराइल ने भारत के प्रति सर्वाधिक सकारात्मक दृष्टिकोण वाले देशों की सूची साझा की है। इसमें इसराइल समेत 11 अन्य देश हैं, जिसमें इसराइल वो देश है जो भारत को सबसे ज्यादा अच्छा मानता है। इसराइल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हम अपने भारतीय दोस्तों से बहुत प्यार करते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार इसराइल 71% रैंकिंग के साथ सूची में शीर्ष पर है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम 66%, केन्या 64%, नाइजीरिया 60%, दक्षिण कोरिया 58%, जापान 55%, ऑस्ट्रेलिया 52% है। भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर शिखर धवन इस वक्त टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। एक वक्त तीनों ही फॉर्मेट में भारत के लिए पारी की शुरुआत करने वाले इस बैटर को आज जगह बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वह उनका इरादा इस बार के टूर्नामेंट में टीम को चैंपियन बनाने का है। वह पंजाब किंग्स की कप्तानी करते हुए उसे ट्रॉफी जिताना चाहते हैं। शिखर धवन ने बताया कि उनके दिमाग में कोई भी नेगेटिव बात नहीं चलती है, वह सिर्फ अपना काम करते रहना चाहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की ओर से 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में लखपति दीदी स्कीम का लक्ष्य बढ़ाने की बात कही गई थी। वित्त मंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना का लक्ष्य अब 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया जा रहा है। लखपति दीदी स्कीम एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस स्कीम में सरकार की ओर से महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर पैसा कमाने योग्य बनाया जाता है, जिससे कि वह अपने आर्थिक स्तर सुधार पाए। देश के सबसे लोकप्रिय पेमेंट ऐप में सुमार पेटीएम की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले रिजर्व बैंक की ओर से पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाए जाने के बाद ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच की भी खबरें रही हैं। इस पर पेटीएम की पैरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने सफाई दी है। कंपनी ने साफ कहा है कि उनके किसी भी संस्थान या अधिकारी के खिलाफ ईडी की जाँच नहीं होने जा रही। यह सफाई उन खबरों के बाद आई है जिसमें कहा गया था कि पेटीएम पेमेंट बैंक को अनियमितताओं के खिलाफ ईडी जाँच करेगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड कैबिनेट ने उच्च स्तरीय सरकार द्वारा नियुक्ति समिति की सिफारिशों के बाद 4 फरवरी को समान नागरिक संहिता विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। नागरिक कानूनों में एक रूपता स्थापित करने के उद्देश्य से यह रिपोर्ट 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में पेश की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इसके बाद से ही विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोलना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की लिखा, पीएम मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देकर नेक काम किया है, बधाई, देर से ही सही पर दिया। तो अब एक और है जिन्होंने आरएसएस बीजेपी के लिए और देश के लिए उल्लेखनीय सेवाएं दी हैं, वे हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। उनको भी भारत सरकार को सम्मानित करना चाहिए। कथित भड़काऊ बयान के कारण चर्चा में आए इस्लामिक उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी अब गुजरात पुलिस की गिरफ्त में है। गुजरात पुलिस रविवार को मुंबई पहुंची थी, जहां पुलिस को मुफ्ती सलमान अजहरी की 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिल गई थी। मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करके मुंबई के घाट कोपर पुलिस थाने लाया गया तो वहां लोगों की भीड़ जुट गई और वो अजहरी को पकड़ने जाने का विरोध करने लगे। इस भीड़ को काबू करने के लिए अजहरी को खुद माइक पर आना पड़ा और लोगों से घर जाने को कहा। फुटबॉल प्रेमियों के लिए फीफा वर्ल्ड कप का क्रेज अलग लेवल का होता है। अब अगला फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आयोजित किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल इस बार न्यूयॉर्क न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। फीफा ने रविवार को इसकी घोषणा की है। बिहार में नीतीश कुमार से मिले बड़े झटके से इंडिया गठबंधन अभी उबर नहीं पाया है कि महाराष्ट्र में भी एक सियासी टूट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को यह कहना चाहता हूं कि हम कभी आपके दुश्मन नहीं थे, आज भी नहीं है। बता दें कि शिवसेना लंबे समय तक एनडीए गठबंधन में रही है।
पान मसाला तंबाकू और गुटखा प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों पर 1 अप्रैल से भारी जुर्माना लग सकता है। जीएसटी काउंसिल की तरफ से आज नई एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें इस बारे में सूचना दी गई है। जीएसटी की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक तंबाकू उत्पाद बनाने वाली कंपनियों को 1 अप्रैल से जीएसटी अधिकारियों के साथ अपनी पैकिंग मशीन को भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। हम पार्टी के संयोजक जीतन राम मांझी की मांग पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। वहीं इस मांग पर हम के प्रवक्ता विजय यादव ने रविवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम पार्टी को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए, सभी विकल्प खुले हैं, राजनीति संभावनाओं का खेल है। बता दें कि महागठबंधन छोड़ सीएम नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए हैं। बिहार की नई एनडीए सरकार में जीतन राम मांझी 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। साथ ही हमने रविवार को एनडीए नेतृत्व को बड़ा संदेश दे दिया है। गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि व्योम मित्र मिशन इस वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए निर्धारित है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्योम मित्र को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि अंतरिक्ष वातावरण में इंसान कैसे काम करेंगे इसे समझा जा सके। अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सिटी ने क्वाड की तुलना एक कार से करते हुए कहा कि भारत उसकी ड्राइविंग सीट पर है और अमेरिका बगल में बैठा है। क्वाड 4 देशों का समूह है जिसमें भारत और यूएस के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। जन स्वराज के अभियान के प्रमुख प्रशांत कसो ने चुनावी नतीजों को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। प्रशांत कसो ने दावा किया है कि वर्तमान समय में बीजेपी को भारी बढ़त हासिल है, लेकिन 2 महीने का भी समय बहुत होता है, कह नहीं सकते कि फाइनल आउटकम क्या आएगा, लेकिन यदि आज चुनाव हो तो बीजेपी के एनडीए को बहुत बड़ी बढ़त है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। 22 जनवरी के बाद से रामलला के दर्शन करने के लिए लोगों का जमाव रहा देखने को मिला था, जिस कारण राम मंदिर के निर्माण कार्य को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, लेकिन अब मंदिर का निर्माण कार्य 10 फरवरी से शुरू होने वाला है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि मंदिर में अब निर्माण कार्य पुनः शुरू होना है, जो परिक्रमा की दीवार है उस कार्य को भी पूरा किया जाएगा। प्रथम और द्वितीय तल पर राजा राम का दरबार होगा, उस कार्य को तत्काल प्रारंभ किया जाएगा जो वर्ष 2024 में दिसंबर तक पूर्ण होगा। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने स्वीकार किया है कि बज बॉलिंग इंग्लैंड के लिए भी उपमहाद्वीप में 399 रनों का पीछा करना लगभग असंभव काम है। विजाग में तीसरे दिन के अंत में TNT स्पोर्ट्स से बात करते हुए कुक ने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कोई भी टीम इस लक्ष्य के करीब नहीं पहुंची है। देश की सबसे ताकतवर सुपर किलर मिसाइल रुद्रम 2 की टेस्टिंग का एक वीडियो सामने आया है। यह एक हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका परीक्षण 300 किलोमीटर की रेंज के लिए सफलतापूर्वक किया गया है। इस मिसाइल की तुलना रूस की KH-31PD मिसाइल से की जा रही है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रत्याशी चयन की कार्यवाही अब अंतिम दौर में है। यूपी के 80 लोकसभा क्षेत्रों में से 6 सीटों पर प्रत्याशी चयन का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरी झंडी के बाद होगा। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक शीर्ष नेताओं ने पार्टी की ओर से कराए गए सर्वे और जातीय संतुलन के आधार पर करीब 74 सीटों पर प्रत्याशी चयन की कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार में बनी एनडीए की नई सरकार 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करेगी। एक तरफ जहां बीजेपी से उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने रविवार को दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस ने अपने 16 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया। दिल्ली में दिए गए सम्राट चौधरी के एक बयान पर अब RJD और कांग्रेस ने हमला बोला है। RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सम्राट चौधरी को चैलेंज देते हुए कहा है कि पहले 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में अपनी सरकार बचा ले, उसके बाद ही ज्ञान दे। तेजस्वी यादव ने ऐलान करते हुए कहा है कि ऐसा खेल होगा कि कौन खिलौना से खेलेगा और कौन आग से खेलेगा ये पता चल जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जनता की भावना के अनुकूल हम लोगों ने निर्णय लिया है, बिहार को बचाना हमारी प्राथमिकता थी, ऐसे में अपनी भावनाओं का महत्व कम हो जाता है, जनता की भावना का महत्व ज्यादा हो जाता है। रविवार को दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने राजद पर हमला किया। नीतीश कुमार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार की एक फाइल को खोला जाएगा। विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने संसद भवन पहुंचे। धर्मगुरु संसद की कार्यवाही भी देखी। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया इमाम उमेर अहमद इलियासी ने कहा कि पैगामे मोहब्बत है, पैगामे देश है। इन धर्मगुरुओं ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। सूद ने कहा कि आज इंडियन माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न धर्मगुरुओं के साथ संसद भवन पहुंची है, वे चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि भारत एक है। बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है।
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के अनुसार 16 कांग्रेस विधायक हैदराबाद पहुंच रहे हैं और बाकी और भी जल्द ही उनके। दरअसल कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का डर सता रहा है, यही कारण है कि पार्टी ने उन्हें हैदराबाद रखने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेसी विधायकों को उसी रिजॉर्ट में रखा जाएगा जहाँ झारखण्ड के विधायकों को रखा गया था। एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे ने हाल ही में अपनी झूठी मौत की खबर फैलाकर हर किसी को हैरान कर दिया था। एक्ट्रेस ने बाद में एक वीडियो शेयर कर बताया कि उन्होंने ऐसे सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के लिए किया था। वहीं हर कोई एक्ट्रेस के इस करतूत की कड़ी निंदा कर रहा है। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने एक्ट्रेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच अब एक्ट्रेस की एजेंसी सबांग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर इस पूरे मामले पर माफी मांगी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आशुतोष राणा से जब पूछा गया कि आज के युग में भगवान राम कितने प्रासंगिक हैं, इस सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि अगर प्रासंगिक नहीं होते तो मुझे ये बताइए कि ये जो कथा त्रेता में लिखी गई थी हमारे कितने लोगों की कथा है जो 100 सालों तक यात्रा करती है। ये कथा परमात्मा की श्री राम के जीवन की जो कथा और व्यथा का जो चित्रण वाल्मीकि जी ने लिखा है। वाल्मीकि जी के बाद 300 टीकाएं हैं राम जी के ऊपर। उन्होंने आगे कहा, परमात्मा श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है वो हमारे चित्त में भी है, चरित्र में भी है और चिंतन में भी है, लेकिन आवश्यक ये है कि श्री राम के जितने चरण पूजनीय है उतने ही उनके आचरण भी पूजनीय है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत रामगढ़ पहुंचे। इस दौरान वह हर तबके के लोगों तक पहुंच रहे हैं। आज उन्होंने साइकिल पर कोयले ढोने वाले युवाओं से भी बातचीत की। उनका दर्द समझने के लिए राहुल साइकिल पर कोयला लादकर कुछ दूरी तक ढोकर ले गए। राहुल ने कहा, इनके भार को महसूस किए बिना इनकी समस्याओं को नहीं समझा जा सकता है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोहम्मद साकिर हुसैन, विजय कुमार दास, नौसाद रजा, नीतीश कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके मुताबिक परीक्षा में कदाचार को रोकने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।